हेलो एवरीवन वेलकम टू द जोरावर क्लासेस स्वागत है आप सभी लोग का आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो समास से संबंधित रहेगा ठीक है यानी कि आज के जो क्लास के एमसीक्यूज होने वाले हैं वो समास होंगे आपके लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करेंगे अपने होमवर्क क्वेश्चन के बारे में जो आपको इसके पहले वीडियो में दिए गए थे ठीक है उस वीडियो में यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ रखा था कि संधि क्या होते हैं कितने प्रकार के होते हैं ठीक है और मैंने क्लास जब मैं शुरू करती हूँ ना तो उसके पहले मैं दो तीन मिनट आपको समझाने की कोशिश करती हूँ उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने तरह के संधि होते हैं कितने तरह से उन संधियों को हम कर सकते हैं बहुत सारे रूल के बारे में हमने डिस्कस किया था जिसमें से एक क्वेश्चन आपको दिया गया था कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है ठीक है देखिए पुस्तकालय को जब आप तोड़ेंगे ना इसका विक्षेद करेंगे तो आपको मिलेगा पुस्तक धन धन पुस्तक ठीक है पुस्तक धन आलय पुस्तक तो पुस्तकालय अब आप देखेंगे ना तो क को अगर फिर हम तोड़े तो क में क धन अ होता है ठीक है क को तोड़ने से हमें अ मिला और अ के बाद इस अ के बाद हम अगर देखें तो दूसरे शब्द का पहला अक्षर हमारा अ है ठीक है तो यानी कि अ धन आई इन दोनों को जब भी हम मिलाएंगे ना यानी कि हरस्व आ और दीर्घ अ को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होता है दीर्घ अ ठीक है इसका हमें दीर्घ प्राप्त हो जाता है यानी कि हमें अ मिल जाएगा ठीक तो ये रूल जो फॉलो होता है ये आपके दीर्घ स्वर संधि में होता है दीर्घ स्वर संधि में होता है यानी कि जब दीर्घ स्वर संधि के नियम को आप पढ़ेंगे उसमें ये नियम है कि जब समान स्वर हूँ, जब समान स्वर हूँ, ठीक है चाहे हरस्व हो चाहे दीर्घ हो तो उनका हमेशा क्या हो जाता है खुद का दीर्घ हो जाता है ठीक है ये रूल आपके दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं तो इस तरीके से जो आपका सेकंड ऑप्शन है ना पुस्तक धन आलय ये आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है पुस्तक धन आले ठीक है तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो आज का हमारा एमसीक्यूज रहेगा वो समाज के ऊपर रहेगा लेकिन उसके पहले हम थोड़ी देर बात करेंगे समाज के बारे में कि समास होता क्या है समास होता क्या है देखिए समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना उसे हम कहते हैं संक्षेप करण ठीक है एक मिनट ये मात्रा गलत हो गया तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण और संक्षिप्तीकरण करण कहने का मतलब होता है कि किसी भी शब्दों को ठीक है किसी भी दो शब्दों को मिला करके हम उसको क्या कर देते हैं छोटा कर देते हैं ठीक है थीके? उसको छोटा कर देना ठीक तो संक्षेप मतलब क्या होता है संक्षेप का मतलब होता है छोटा होने से संक्षेप का मतलब होता है में या फिर छोटा में ठीक है तो जब हम शब्दों को छोटा करते हैं तो उसे हम संच, कहते हैं ठीक है समास कितने प्रकार के होते हैं तो हिंदी में समास प्रकार के होते हैं कौन कौन से पहला अव्यय भाव समास है अव्ययी भाव समास होता है अव्यय भाव तत्पुरुष तत्पुरुष दिगु समास दिगु हो जाएगा द्वंद समास द्वंद और इसके बाद अगर हम देखें पांचवा कर्मधारा कर्मधारा और इसके बाद लास्ट में जो होता है छठा होता है बहुब्रीही समास बहुब्रीही समास तो ये समाज के भेद होते हैं ठीक है समाज के भेद होते हैं जब भी आपसे पूछा जाए कि समाज के कितने भेद होते हैं तो समाज के छह भेद होते हैं समास, दन, और बहुब्री अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो इसका प्रथम पद होता है प्रथम पद होता है वह प्रधान होता है प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है प्रथम पद अव्यय होता है ठीक है तत्पुरुष समास में क्या होता है तत्पुरुष समास में बीच में कारक चिन्ह छिपे होते हैं कारक चिन्ह छिपे होते हैं देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा कारक चिन्ह क्या होते हैं छिपे होते हैं दिगु में क्या होता है दिगु जो होता है इसमें गणना के शब्द आते हैं यानी कि गिनती के शब्द आएंगे द्वंद में क्या होता है कि और या का भाव छिपा रह सकता है कर्म धारे में कर्म धारे में विशेषण होते हैं विशेषण होते हैं और विशेष्य होता है विशेषण होता है और विशेष्य होता है और बहुब्रीही में अन्य पद प्रधान होता है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रूढ़वादी रूढ़वादी एक तरीके से प्रचलन चला आता है कि अन्य के लिए वो उपयोग किया जाता है वो समाज जो होते हैं वो बहुब्रीही को कहलाते हैं ठीक है ठीके? तो ये हमारे समाज के भेद हो गए इन शॉर्ट में मैंने बता दिया कि अव्यय भाव समाज क्या होता है तत्पुरुष द्विग ठीक है ये सारी चीज़ें तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे हमारा पहला क्वेश्चन है यथाशक्ति दूसरों की सहायता करो ठीक है यथाशक्ति दूसरों की सहायता करो और यथाशक्ति को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में किया गया है यानी कि आपको बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा ऑप्शंस है हमारे बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास देखिए अभी आप लोगों को बताया गया कि जो अव्ययी भाव समास होते हैं अव्ययी भाव समास होते हैं इसमें प्रथम पद प्रधान होता है प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद ही अव्यय होता है प्रथम पद ही अव्यय होता है अव्यय होने का मतलब कि जो हमारे तरीके से कह सकते हैं उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं ना सारे उपसर्ग अव्यय होते हैं तो अव्यय अगर समझ में नहीं आ रहा तो इतना समझिए कि वो प्रथम पद उपसर्ग आपका हो जाएगा ठीक है जैसे मान लीजिए कि जो यथाशक्ति दिया गया है अगर हम इसको दो भागों में तोड़े दो भागों में इसको हम करें तो हमें प्राप्त होगा यथा और शक्ति ठीक है यथा और शक्ति तो यथा का मतलब होता है अनुसार ठीक है यथा का मतलब होता है अनुसार या के अनुसार हम कह सकते हैं ठीक है और शक्ति मतलब आप समझते ही हैं, तो यथा जो है यथा जो है ये उपसर्ग है अव्यय है ये यानी कि जो प्रथम पद है ये अव्यय है तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा अब आप यथा को ना किसी अन्य शब्द के साथ भी जोड़ सकते हैं जैसे इच्छा यथा इच्छा यथा यानी कि इच्छा के अनुसार ठीक है यथा कल्पना कल्पना के अनुसार ठीक है तो इस तरीके से यथा शब्द जो है ये इसको बदलने के लिए कभी भी लिंग वचन काल का कारक का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अव्यय शब्द वही होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव ना पड़े ठीक है तो यथा शक्ति में देखेंगे कौन सा समास हो जाएगा अब भाव समास हो जाएगा तो पहले क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण किया है ठीक है सिंगल इनवर्टेड कॉमा में पीतांबर है यानी कि हमें बताना है पीतांबर में कौन सा समास होगा ऑप्शंस हैं हमारे कर्मधारय बहुव्रीहि द्वंद या फिर तत्पुरुष ठीक है देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे होते हैं ठीक है कारक चिन्ह छिपे होने चाहिए अगर आप इसको तोड़ेंगे ना तो ये दो शब्दों में मिलेगा एक पीत और अंबर पीत और अंबर पीत मतलब होता है पीला और अंबर मतलब दो इसके अर्थ निकलते हैं अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है कपड़ा भी होता है और आकाश भी होता है कपड़ा भी होता है और आकाश भी होता है ठीक है लेकिन ये कृष्ण भगवान ने इसको धारण किया है तो जाहिर सी बात है कि आकाश पर अर्थ अर्थ नहीं होगा कपड़ा अर्थ होगा कपड़ा कपड़ा ठीक है यानी कि पीला कपड़ा। अब देखिए तत्पुरुष में क्या हो गया कारक चिन्ह होना चाहिए द्वंद में द्वंद में और या और या, या की भावना मतलब शब्द छिपे होने चाहिए बहुब्रीही में अन्य पद प्रधान होना चाहिए अन्य पद प्रधान होना चाहिए लेकिन कर्मधारा में क्या होता है जब किसी के बारे में विशेषता बताई जाएगी यानी कि विशेषण और विशेष्य हो तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए पहला हमारा क्या हो गया ये पीला जो है ये विशेषण है और विशेषता किसकी बता रहा है कपड़े का बता रहा है कपड़ा क्या हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा यानी कि पीला कपड़ा तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है इसलिए सेकेंड ऑप्शन में सॉरी सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए जाएगा, पीतांबर में कर्मधारय समास होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा पीताम्बर भगवान सर्वत्र है पीताम्बर भगवान सर्वत्र हैं, हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी मैंने आपको पीतांबर में कराया कि पीतांबर में आपको कर्मधारा मैंने बताया ठीक है लेकिन यहां पे अगर आप देखें ना तो यहां पर पीताम्बर में कर्मधारा नहीं होगा क्योंकि पीताम्बर भगवान कहा जा रहा है यानी कि पीताम्बर किसी रूढ़वादिता से ठीक है यानी कि पीढ़ियों से किसी एक विशेष भगवान को कहा जा रहा है ठीक है तो पीताम्बर भगवान पीतांबर भगवान कहा जाता है श्री कृष्ण को किसको कहा जाता है श्री कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि वो पीले नीले वस्त्र धारण करते हैं तो इसीलिए इसका अन्य अर्थ निकल रहा है यहाँ पर पीताम्बर का अन्य अर्थ निकल रहा है अन्य पद प्रधान हो रहा है तो जब अन्य पद प्रधान होगा अन्य पद प्रधान होगा तो वहाँ पर बहुब्रीही समास होता है अन्य पद प्रधान होता है तो बहुब्रीही समास होता है ठीक है देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के ना मुझे पता है आपको कन्फ्यूज़न रहने वाला है लेकिन मैं क्लियर कर दूँ कि जब सिर्फ पीताम्बर करके आपसे क्वेश्चन पूछे कि पीताम्बर में कौन सा समास है और ऑप्शन में आपके कर्मधारा है और बहुब्रीहि दोनों रहे ठीक है ऑप्शन में आपके कर्मधारय और बहुब्रीही दोनों रहे तो आप हमेशा बहुब्रीही को लगाइएगा क्योंकि कर्मधारय जो है ये उपभेद है तत्पुरुष समास का ठीक है मुख्यतः समास पहले चार ही होते थे बाद में तत्पुरुष समास के और दो भेद निकल गए जिसमें से द्वंद्व और कर्मधारय आता है ठीक है तो कर्मधारा उपभेद होंगे तत्पुरुष के इसीलिए जब पीताम्बर सिर्फ पीताम्बर की बात कही जाए और ऑप्शन में दोनों रहे ऑप्शन में दोनों रहे तो हम बहुब्री सही करेंगे और अगर अलग अलग ऑप्शन रहेगा तो आप जो मन में आए वो सही करिए ठीक है चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा राम ने दशानन का वध किया ठीक है राम ने दशानन का वध किया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ऑप्शन दिगु सेकंड अव्यय भाव समास थर्ड कर्म और चौथा बहुब्रीम दिगु में बताया गया आप लोग को कि संख्या पद होता है संख्या पद होता है ठीक है यानी कि प्रथम पद क्या होता है संख्या होता है अब व्य नहीं होगा कर्म धारे नहीं होगा बहुब्रही इस दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं ठीक है क्योंकि दिगु में संख्या पद होता है और ये संख्या है ठीक है लेकिन संख्या के साथ दशानन सदियों से एक रूढ़ के तौर पे अगर हम देखें तो दशानन रावण के लिए प्रयोग होता आ रहा है ठीक है रावण के लिए ये सदियों से प्रयोग होता आ रहा है तो इस कंडीशन में जब ऐसी स्थिति बनेगी यानी कि अन्य पद प्रधान होगा तो हमेशा हमको बहुब्रही समास ही करना है भले ऑप्शन में आपके वो पद संख्या होगा ठीक है ये चीज आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा ठीक? देखिए एक चीज थोड़ा मिस हो गया है एक बार हम उसको देख लेते हैं यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो धारा है ठीक है कर्म धारा है और धारा के साथ साथ जब आप तत्पुरुष समाज देखेंगे ना तत्पुरुष समास आप देखेंगे तो इसके भेद में वर्तमान में तो आप देखिए जितने कारक चिन्ह हैं उतने भेद माने जाते हैं और एक नए तत्पुरुष समास माना जाता है मतलब वर्तमान में तत्पुरुष समाज के सात भेद माने जाते हैं लेकिन तत्पुरुष समाज के दो और मुख्य भेद होते थे जिसको हम लोग कर्मधारय समास कर्म धारे समास द्विगु समास कहते थे ठीक है कर्म धारे और द्विगु ठीक है द्वंद मैंने गलत बता दिया ये चीज आप याद रखिएगा कर्मधारा के ये दोनों सॉरी तत्पुरुष की ये दोनों, दोनों भेद है कर्म और द्विगु ठीक है तो मैंने बताया कि दशानन कहने से ये हमें एक विशेष पद के लिए भी मिल रहा है ठीक है एक विशेष को इंगित कर रहा है भले ये संख्यावाची है और संख्यावाची होने के साथ साथ दिगु जो है ये गौड़ समास में आता है क्योंकि ये तत्पुरुष का भेद है ठीक है मुख्य समाज में बहुब्र आएगा तो इस तरीके से अगर ये दोनों स्थिति बने दशानन आपके ऑप्शन अगर आपके क्वेश्चन में है और ऑप्शन में आपके ऑप्शन में आपके दिगु भी रखा गया है और साथ में बहुब्रही भी रखा गया है ठीक है बहुब्रीही रखा गया तो आप हमेशा बहुब्रीही ही सही करिएगा क्योंकि दशानन के लिए एक विशेष अर्थ आ रहा है एक विशेष को वो इंगित कर रहा है ठीक है और दिगु कैसा समास है ये गौड समास है ये तत्पुरुष का भेद होता है और बहुब्रीही मुख्य समास के अंतर्गत आता है ठीक है मेरे ख्याल से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी ठीक नेक्स्ट मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा श्याम मेघ में कौन सा समास होगा श्याम मेघ ठीक है ध्यान से ऑप्शन पढ़ते हैं अव्यय भाव समास कर्म धारे तत्पुरुष और दिगु देखिए श्याम मेघ का हम विक्षेद करेंगे तो श्याम और धन मेघ मिलेगा ठीक है श्याम धन मेघ श्याम जो है श्याम का मतलब क्या होता है काला और मेघ का मतलब क्या होता है बादल ठीक है यानी कि यहाँ पर बादल की विशेषता बताई जा रही है और विशेषता जिसमें बताया जाता है वो कर्मधारय होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट मूव पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा समास के कितने भेद होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा समास के छह भेद ही हम लगाएंगे क्योंकि अब वर्तमान में जितने भी पेपर हो रहे हैं ना जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी परीक्षाओं में छः को ही मान्यता दी गई है सारी किताबों में अब छः को मान्यता दे दिया गया है लेकिन जब हम पहले की किताबें पढ़ते हैं मतलब जब आप एथेंटिक बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें चार ही भेद माने जाते हैं लेकिन अब हम देखें तो वो चार भेद अमान्य हो चुका है अब जो कर्म धारा है और दिगु है वो इतने बड़े मात्रा में उसका प्रयोग होने लगा कि हमने समास की संख्या छ मान ली तो समास के कितने भेद होंगे समास के छह भेद होंगे छठे क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन से विकल्प में है तत्पुरुष समास का उदाहरण हमें बताना है तत्पुरुष समास में आपको बताया मैंने कि इसके बीच में कारक चिन्ह छिपे होते हैं इसके बीच में कारक चिन्ह छिपे होते हैं ठीक है कारक तो कारक आप लोगों को पता होगा क्या होते हैं कर्ता, कर्ता का चिन्ह ने कर्म को ठीक है कारक चिन्ह तो छिपे होते हैं लेकिन इसमें आप देखेंगे तो कर्ता और संबोधन कर्ता और संबोधन तत्पुरुष समाज के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता है ठीक है तत्पुरुष समाज के अंतर्गत नहीं रखा जाता है अब आप इसको देखिए पीताम्बर पीताम्बर के लिए मैंने आपको दो बता दिया या तो बहुब्रीही होगा या तो कर्मधारय होगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता कमल नयन कमल नयन अगर देखें तो इसके भी दो अर्थ निकलेंगे एक तो ये विशेषता बताया जा रहा है नयन का लेकिन अगर हम देखें तो एक विशेष को ये अंगित करता है जैसे श्री राम को ठीक है तो ये भी नहीं होगा राजा रानी राजा रानी में द्वंद्व समास होगा क्योंकि बीच में हाइफन है और अगर हम इसको देखेंगे तो राजा और रानी होगा ठीक है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा इसमें द्वंद्व समास होगा जल मग्न जो है ना तो जल जल में मग्न ठीक है जल में मग्न तो बीच में हमें क्या मिला कारक चिन्ह मिल गया यहाँ पे में कारक चिन्ह मिल गया तो इस तरीके से सातवें का सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा किस समाज में पहला पद संख्या वाचक होता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है किस पद में पहला किस पद में पहला सं किस समास सॉरी किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है ठीक है तो हमें ये बताना है कि किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है ऑप्शन हमारे हैं द्विगु द्वंद बहुब्रीही तत्पुरुष ठीक है द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है तो आठवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा द्वंद में क्या होता है कि द्वंद में बीच में हाइफन होगा और इसको अगर हम देखेंगे ना तो और या या का भाव उसमें छिपा होता है बहुब्रीही समास में अन्य पद प्रधान होते हैं और तत्पुरुष समास में बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है तो इस तरीके से आठवें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही होगा आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य साथ साथ होते हैं विशेषण और विशेष्य साथ साथ होते हैं ऑप्शन है अव्ययी भाव में कर्मधारय समास में द्वंद्व समास में या फिर बहुब्रीही समास में अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा ना तो इसका आंसर करना बहुत आसान है अव्यय भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है प्रथम पद क्या होता है प्रथम पद अव्यय होता है ठीक है तो ये तो नहीं होगा हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होगा कर्मधारा में आप लोगों को बताया गया था कि ये विशेषता बताते हैं यानी कि इसमें विशेषण होगा और विशेष्य होगा ठीक है विशेषण होगा और विशेष से होगा द्वंद्व में क्या होता है द्वंद में और या फिर या का भाव छिपा होता है ठीक है और कह सकते हैं हाइफन चिन्ह भी लगा होता है और बहुब्रीही समास में अन्य पद प्रधान होता है अन्य पद प्रधान होता है ठीक है तो इस तरीके से देखें थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा और फोर्थ वाला नहीं होगा नौवे का सेकेंड ऑप्शन सही होगा विशेषण और विशेष जो जहां पे साथ साथ आएंगे वहां कर्मधारय समास होता है ठीक है तो इस तरीके से समाज के सारे क्वेश्चन हो गए बहुत सारे बच्चों ने बोला कि और भी क्वेश्चन कराए जाए देखिए ये जो अभी चल रहा है ना हमारा सीरीज़ तो ये भी पहला वेव है फर्स्ट वेव में मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों को हम लोग डिस्कस करें दस क्वेश्चन करें इसके बाद जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा मे बी इसी हफ्ते में या फिर अगले हफ्ते में ख़त्म हो जाए फर्स्ट वेव हमारा तो हम सेकेंड स्टार्ट करेंगे और सेकंड जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें क्वेश्चंस आपके बढ़ा दिए जाएंगे और टफ मतलब इससे थोड़ी लेबल बढ़ा करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं ठीक तो आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं हम होमवर्क क्वेश्चन है आपका दो पदों के मध्य कारक चिन्ह आता है ठीक है ध्यान दीजिएगा कारक चिन्ह की बात कही जा रही है तो वहाँ पे कौन सा समास होगा ऑप्शन आप पढ़ लीजिए द्वंद्व समास तत्पुरुष समास अव्यय भाव समास या फिर कर्मधारय समास इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा मिलेंगे फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों